ஹாய் கைஸ், என் பேர் தீபக். நீங்கள் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்குது தி ஷார் கேமிங். நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் பார்த்திங்கன்னா தாரே ஜமீன் பேரில் வந்து பார்ட் 4 வீடியோ தான் கைஸ் பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி போன பாட்டில் தான் வந்து அமீர் கான் வந்து இந்த படத்துலேயே வந்தார். வாங்க நம்ம ஸ்ட்ரைட்டாக வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். நோ ஆப்ஷன்ஸ் கேட்ட நோ ஆப்ஷன்ஸ் ஓகே கைஸ். கோயி சாரா, ஆக்சுவலி அமீர் கான் வந்து போன பாட்டில் வந்து அரே கோடி நிஷான் அவங்க வீட்டில் போய் பேசிட்டு வருவார், பச்சைக்கு பதா கருத்து அப்பயும் அவங்க புரிஞ்சிக்க மாட்டாங்க. வாங்க அங்கே தான் பார்க்குறோம். அதான் சொல்கிறான், அப்படி அம்பிஷன்ஸ் கா வசன் அப்படி பச்சோ கே நாசு கந்தோ போயிட்டாலாம் और बच्चा वजन उठा नहीं पाया तो कब समझेंगे कि हर बच्चा अपने हिसाब से वजन उठाता है. करेक्ट गाइस, எப்பவும் இந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அவங்களோட ஆம்பிஷன்ஸ் தூக்கி அவங்க பசங்க மேல போட்டு அது எப்பதான் அவங்க எல்லாம் புரிஞ்சுக்க போறாங்கனே தெரியல. कहाँ हमें नन्हे मुन्नों को मेन स्ट्रीम में सेटल करने के सपने देख रहे हैं. यार इधे नलचा லைட் அடிச்சுக்குது, அழுகுது பாருங்க. அது இஷானா? இது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி வந்த அந்த ஃபுட்டேஜில் அவன் சிரிக்கும் போது இஷான் மாதிரி தான் கைஸ் இருந்தான். ஆமாம் கைஸ், இஷான் தான் இது. சின்ன வயசுல மெடல்லாம் வாங்கியிருக்கிறார் கைஸ் நம்ம ஹீரோ. எதுக்காக இப்படி பிடிக்கிறாங்க? குளிக்க மாட்டு நடம் பிடிக்கிறானோ? இப்ப இது என்ன பிரயோஜனம்? दोस्तों, आज मैं तुम लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा. इवनोड़ स्टोरी सुनो पर आ रहा एक लड़के की कहानी. ननच्चा, एक लड़का था, मत पूछो किधर. वो पढ़ लिख नहीं पाता था. लाख कोशिशों बाद उसको रहता ना था याद कि वाई एक्स के बाद आता था. अल्फाज उसके दुश्मन उसकी आंखों के सामने नाचते थे, डांस कर करके जी भर भर के बेचारे को सताते थे. लिखना पढ़ना थका देता उसको, दुखड़े अपने सुनाता वो किसको. भेजा फुल था, स्टार्टर गुल था, ऊपर से एबीसी डिस्को. फेल हो गया एक दिन बेचारा, पढ़ने लिखने के बोझ का मारा. लोगों ने उसे गधा बेवकूफ कहा, बच्चे ने सारा अपमान बहादुरी से सहा. फिर एक सवेरे उसने सोना उगला, थियरी जो सुनी जहां ने सारा जहां पिघला. இது என்னடா புது கதையா இருக்குது. ஐன்ஸ்டீன். கரெக்ட் ராஜன், ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன், ஜீனியஸ், மகான் சயின்டிஸ்ட், ஜிஸ்னே துனியா கோ அப்னி தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சே ஹிலா கே ரக் தியா. தி பிரவுனியன் மோஷன், தி போட்டோ எலக்ட்ரிக் எஃபெக்ட். ஓ, அவரும் அந்த மாதிரி தானா கைஸ்? அப்பனா பிரைஸ் 1921. அப் பதாவ் கே யே கே कोई ऑर्डिनरी हेलीकॉप्टर नहीं है ये. द ग्रेट आर्टिस्ट इन्वेंटर लियोनार्डो डा विंची. कौन? हाँ, उन्होंने ये तस्वीर बनाई थी, अ वर्किंग स्केच ऑफ अ हेलीकॉप्टर. लेकिन कब?
15वीं सदी में पहला हवाई जहाज उड़ता उससे 400 साल पहले। जानते हो लियोनार्डो डा विंची को पढ़ने लिखने में बड़ी तकलीफ होती थी। कुछ ऐसा लिखते थे विंची साहब, कुछ समझ में आया? आप पढ़ो। ईशान जरा लाइट ऑन करना प्लीज। किस महान हस्ती ने दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी से रोशन किया? एडिसन। थॉमस अल्वा एडिसन। बिल्कुल सही ईशान, वेरी गुड। इतनी वाय तो तू पेश रंगे सी फो सीडी का मारा। आओ बैठो ईशान। नहीं लाइट रहने दो, एडिसन भाई की रोशनी हम पर पड़ती रहे। ओके इसको तो सब जानते हैं, अभिषेक बच्चन। बचपन में इसको भी पढ़ने लिखने में तकलीफ होती थी, लेकिन अब देखो क्या धूम मचा रहा है। मचा रहे धूम, मचा रहे धूम। और भी हैं असली नमूने, पाब्लो पिकासो फेमस क्यूबिस पेंटर, उसको 7 नंबर कभी समझ में नहीं आया, कहता था ये तो मेरे अंकल की उल्टी नाक है। मिकी माउस का बाप कौन? वाल्ट डिज्नी। करेक्ट, वाल्ट डिज्नी। अक्षरों से परेशान डाल दी कार्टूनों में अपनी जान। नील डायमंड पॉपुलर सिंगर, लाल लाल रिपोर्ट कार्ड के शर्म में डूबा गाने लिखता। एगाथा क्रिस्टी फेमस मिस्ट्री बुक राइटर, यकीन करोगे एक लेखिका जो बचपन में पढ़ लिख नहीं पाती थी। लेकिन आज सडनली मैं तुम लोगों से ये सब क्यों बता रहा हूं? तुम्हें यह दिखाने कि दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने सारी दुनिया का नक्शा ही बदल दिया, क्योंकि ये दुनिया को अपनी अलग नजर से देख पाए। दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। इन सिकंदरों कलंदरों बिलंदरों के नाम आज की आर्ट क्लास, इनको याद करते हुए इस चार दीवारी के बाहर कदम रखेंगे और कुछ अलग बनाएंगे, डिफरेंट, कुछ भी जी में आए वो उठाओ, पत्थर लकड़ी कचरा कुछ भी। चलो छोटे तालाब की तरफ बढ़ना शुरू करो। ஒரு வேளை உன்னை பெயிண்டிங் திரும்பி பண்ண வச்சுட்டா நல்லா இருக்கும். ஈஷான் एक मिनट, ராஜன் तुम जाओ। जानते हो उन सारे लोगों में एक और नाम था जो मैंने नहीं लिया। शायद इसलिए कि वो नाम इतना महान नहीं, लेकिन तकलीफ उसे भी वही है। वो नाम है राम शंकर निकुम। इवरुमा मुझे भी बचपन में पढ़ने लिखने की तकलीफ थी, मेरे पिताजी मुझे समझ नहीं पाए, उनको लगता था कि मैं शैतानी कर रहा हूं, जानबूझ के नहीं पढ़ रहा हूं, उनको लगा आगे चलकर मेरा कुछ नहीं होगा, ये टफर इडियट क्या कर पाएगा। आज जो हूं तुम्हारे सामने हूं ईशान। मेरे घर गए थे।
என்னென்னமோ வச்சிருக்கிறான் பாய்வன். ஏதோ செய்யறான் கைஸ், என்னன்னு பாத்துருவோம். இது இந்த மூவி ஸ்டார்ட் ஆகும் போது ரோட்ல இருந்து எத்தானே அந்த ஏதோ ஒரு பீஸ் என்னமோ பண்றாங்க. அப்ப இவன் என்ன சொல்றது, குப்பையெல்லாம் எடுத்து வச்சு ஏதோ ஒன்று பண்றாங்க. இவன் இதுவும் டேலண்ட் தான்ல. அப்பலா பாரு, இது யார், அவங்க அப்பா அம்மாவா? ஏதோ ஒன்று கைஸ், அந்த ஃபோட்டோ நகர்த்திட்டு இதை வைக்கிறாரு. சூப்பர்ல புல் அரிக்குதுறையா அப்பா. இது என்ன கோலம் தெரியலையே. அதே கோலம்தான் போல இருக்கு கைஸ். இதுவும் படம் ஸ்லோவா போனாலும் சூப்பரா இருக்கு கைஸ். நம்ம லாஸ்ட் பார்த்த படம் கூட அப்படிதான், இந்த சண்டை கிண்டெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது, அப்படியே கொண்டு போவாங்க. சூப்பரா ஸ்டோரி இல்லை, ஸ்டோரி எல்லாம் செலக்ட் பண்றாரு நம்ம அமீர் கான் சார். இப்போ என்னன்னு பார்ப்போம். சார், मुझे एक स्टूडेंट के बारे में बात करनी थी. ईशान अवस्थी, 3rd डी, नया स्टूडेंट है. आई नो आई नो, दूसरे टीचर्स की भी कंप्लेंट आ गई है. बैठो. हमें नहीं लगता कि वो साल भर भी टिक पाएगा. नहीं सर, वो बड़ा अकलमंद बच्चा है. उसे बस रीडिंग राइटिंग ना सोल रहे हैं. आप तो जानते होंगे डिसलेक्सिया के बारे में. आई सी सर. तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया. निकुम, सोच रहे थे कि उसके फादर से क्या कहेंगे, बच्चा ट्रस्टीज के थ्रू है यूसी. गुड गुड, तो फिर स्पेशल स्कूल ही सही जगह उसके लिए. क्यों? नो सर, he's a child with above average intelligence. उसे पूरा हक है एक नॉर्मल स्कूल में रहने का. उसे बस जरा सी मदद चाहिए हमसे. और वैसे भी दुनिया भर में हर किस्म के बच्चे, चाहे जो भी उनका प्रॉब्लम हो, एक साथ नॉर्मल स्कूल में पढ़ते हैं. बल्कि मेरे ट्यूलिप्स के बच्चों को पूरा अधिकार है किसी भी साधारण स्कूल में पढ़ने का. माफ कीजिएगा सर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हमारे भारत देश का कानून कहता है. सर्व शिक्षण अभियान के अंतर्गत हर बच्चे को यह अधिकार मिलता है. ये और बात है कि बहुत कम स्कूल हैं जो इस कानून को फॉलो कर रहे हैं. देखो, तुम मुझे एक बात बता, ये बच्चा यहां कैसे मैनेज कर पाएगा? मैथ्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, साइंस है, लैंग्वेज. सर कर लेगा सर, टीचर्स जरा सा हाथ पटा दे, हो सकता है. कहां है टाइम टीचर्स के पास? 40-40 बच्चों के बीच एक बच्चे पर ध्यान देना, कम ऑन निकोम, इट्स इम्पॉसिबल. सर जितना आप सोच रहे हैं इतना टाइम नहीं लगेगा. हफ्ते में 2-3 घंटे बस, मैं करके दिखाता हूं. और वैसे भी इन सारे सब्जेक्ट्स में तो उसको सिर्फ पास होना है.
उसकी असली मंजिल तो कहीं और है सर। अच्छा, तो आपका सब्जेक्ट छोड़ के बाकी सारे सब्जेक्ट जो हम पढ़ाते हैं बेतुके? नहीं सर, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हर बच्चे का अपना हुनर होता है। एंड एज ऑस्कर वाइल्ड सेज, हु वांट्स अ सिनिक हु नोज द प्राइस ऑफ एवरीथिंग एंड द वैल्यू ऑफ नथिंग। सर प्लीज सर, सर जरा बच्चे की पेंटिंग देखिए। ये देखिए सर, ये देखिए सर, ये जंग का मैदान, सिपाही सुरंग खोदता है और खोदते खोदते पन्ना पलटकर सुरंग में से उड़न छू। क्या सोच है सर? ये कॉन्फिडेंट ब्रश स्ट्रोक्स, सच बोल्ड यूज ऑफ कलर, बेधड़क। और ये देखिए सर, अनु का फ्लिप बुक, घर से बिछड़ जाने की दास्तान। क्या सोच है सर, महज 8 साल के बच्चे की बनाई हुई। सर पटरी से हटकर बहुत कम लोग सोच पाते हैं। सर प्लीज सर, एक चांस, उसे एक मौके की जरूरत है, वरना उसकी उम्मीद टूट जाएगी सर। तुम चाहते क्या हो उसे? सर कुछ वक्त तक उसकी स्पेलिंग्स, उसकी लिखावट को नजरअंदाज किया जाए, उसके टेस्ट जबानी लिए जाए। ज्ञान तो ज्ञान होता है सर, चाहे वो जबानी हो लिखित। उतने में मैं उसकी लिखाई पढ़ाई पे काम कर ही रहा हूं, धीरे धीरे वो भी सुधर जाएगी। पता नहीं, टेम्पररी टीचर की बातों में आकर कहीं हम परमानेंट डैमेज ना कर बैठे। परमिशन कुदार गाइस, பாட்டு வருமா? இல்லப்பா, ஆப்பிள் ABCD படிக்கிறான உங்காச்சு பொம்மை சேர்த்துக்கு பாரு. ஆனா இது கூட ஜாலியா இருக்கும்ல. சரி, இந்த மாதிரி ஒரு டீச்சர்லாம் நம்மளுக்கு இல்லையாப்பா. மேட் சூப்பர். கொஞ்சம் கொஞ்சமா அப்படியே எப்படி ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் குடுத்துறாரு பாருங்களா. எனி பென் தே செட் ஆஃப் டு அ நோஸ் बिटवीन ஈச் பேர் ஆஃப் ஐஸ் நோஸஸ் எவ்ரி சைஸ் கோயல் ஹே சினியோ கி ராணி கபி சுனி ஹே உஸ்கி வாணி மாட்டினா. Game over. Simbad was dazzled by handwriting. பாருங்க எப்படி மாதிரி இருக்குது. Multicolored lights were made of cake and chocolate. Hmm.
सर एक सवाल था, आपने स्कूल पास करने के बाद कभी पेंटिंग की है? What? Come on, come on, art mela. Teachers, students, everyone. Painting competition, guys. Now, the students, teachers, are going to be the ones who 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 are going
आइए आइए प्लीज कम दोस्तों, मैं जरा दो मिनट आया। आइए बैठ। सॉरी जगह जरा कम है। यहाँ कैसे? फैक्ट्री के काम से आया था। ईशान से मिले? नहीं अभी नहीं, मिलूंगा। पहले आपसे कुछ बात करनी थी। कही? मेरी वाइफ काफी दिनों से इंटरनेट सर्फिंग कर रही है। डिसलेक्सिया पे छपी सारी जानकारी उसने पढ़ डाली है। आपको बताना था। क्यों? मुझे क्यों बताना था? नहीं, कहीं आप ये सोच के ना बैठे हो कि हम उन लोगों में से हैं जो अपने बच्चों का ख्याल नहीं करते। मनुष्यना इला वेर एदाचमा तरल? बहुत जरूरी है मिस्टर अवस्थी, इसमें इलाज की शक्ति है। एक मरहम है जिससे दर्द मिटता है। बच्चे को तसल्ली हो जाती है कि उसका कोई ख्याल करता है। एक अच्छी प्यार भरी पप्पी, ये दिखाने को कि मैं ख्याल करता हूं। बेटा मैं तुमसे प्यार करता हूं, अगर कोई फिक्र हो तो मेरे पास आओ। क्या हुआ जो तुम फिसले? गलती हुई, मैं हूं ना, ये दिलासा। ख्याल करना உங்களுக்கு எது கேரிங்க என்ன ஒண்ணுமே நான் சொல்றதுன்னு ஒண்ணும் புரியல கைஸ். மிஸ்டர் அவஸ்தி, मुझे खुशी हुई ये सुनकर कि आपको लगता है कि आप ख्याल करते हैं। ठीक है, फिर मैं चलता हूं। मिस्टर अवस्थी, आपकी वाइफ ने सॉलोमन आइलैंड्स के बारे में कुछ पढ़ा इंटरनेट पर? पता नहीं, नहीं पता। सॉलोमन आइलैंड्स में जब आदिवासियों को जंगल का कोई हिस्सा साफ करना होता है खेती के लिए, तो वो पेड़ दरख्तों को काटते नहीं है, महज उस पेड़ के पास सारे पहुंच जाते हैं और जी भर के गालियां देते हैं, कोसते हैं। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में पेड़ मुरझा जाता है, अपने आप ही मर जाता है। ஆனா இவர் செமையா புரிய வைக்கிறாரு கைஸ் சமீர் கான் இந்த படத்துல. இதெல்லாம் உட்காந்து எல்லார் வீட்டுல இருக்கிற அப்பா அம்மா எல்லாம் உட்காந்து இந்த படம்லாம் பார்க்கணும். காலிலேயே எங்க ரெடியா வரும் தெரியல.
दुनिया में ऐसे ऐसे हीरे पैदा हुए हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया है। क्योंकि उनके शूलेस कटे तेरे अलग ऐसे उनके तो पड़ता है अलग नजर से देख पाए, दिमाग उनके जरा हटके थे, आसपास वालों को बर्दाश्त नहीं हुआ, तकलीफें खड़ी कर दी, लेकिन इसके बावजूद वो जीते और ऐसे जीते कि दुनिया देखती रह गई। எங்க கிளம்பி போறான்? அந்த குளத்தாண்ட வரான்னு நினைக்கிறேன் கைஸ், எனக்கு தெரிஞ்சு காம்படிஷனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஓகே கைஸ், இந்த வீடியோ நம்ம இந்த இடத்துலேயே முடிச்சுக்கலாம். இந்த வீடியோ பார்த்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். ஏன்னா இந்த லாஸ்ட் பார்ட் இது வந்து எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குது. ஏன்னா நம்ம அமீர் கான் சார் வந்து இஷான் வந்து சூப்பராக ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கிறாரு. மேபி நெக்ஸ்ட் பார்ட் தான் வந்து இந்த மூவியோட கிளைமேக்ஸாக இருக்கும். நான் அந்த வீடியோ மூலமா உங்களை வந்து மீட் பண்ணுறேன். அண்ட் மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நாளைக்கு வந்து நான் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அன்டில் தென் பாய்.